इस वीडियो में मैं डिफाइन करूंगा उन 5 चीजों को जो महेंद्र डोगने सर ने सक्सेस के बारे में बताई हैं संदीप महेश्वरी सर के शो पर। तो क्या है वो 5 बातें, चलिए जानते हैं। नंबर 1, फिजिकल हेल्थ। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ खराब है तो सबसे पहले उसे ठीक कीजिए। अपने बॉडी को ऐसा बनाइए जो हर कंडीशन में मेहनत करने के लिए तैयार हो, हर कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए तैयार हो। इन सिंपल वर्ड्स, अपनी बॉडी को शेप में लाइए, हेल्दी और फिट बनिए। रेगुलर एक्सरसाइज करके और जंक फूड से दूर रह के आप अपने आप को हेल्दी और फिट बना सकते हैं। अगर आप अपने आप को हेल्दी और फिट बना लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। नंबर 2, मेंटल हेल्थ। फिजिकली फिट होने के बाद आपको मेंटली भी फिट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो डिसीजंस लेता है उन्हीं डिसीजंस पर आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ऐसे में ब्रेन को राइट डिसीजंस लेने के लिए उसका फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन जाती है। अपने ब्रेन को फिट करने के लिए आप बुक्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए। इन सिंपल वर्ड्स, अपने नॉलेज को इनक्रीज कीजिए। मेंटली फिट होने का यही मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को हर नज़रिए से देख सकें और समझ सकें। जब आप एक सीमित सोच से बाहर निकलकर सोचते हैं, केवल तभी आप औरों के नज़रिए से देख सकेंगे। तो अपनी नॉलेज को इनक्रीज कीजिए और अपनी सीमित सोच से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, इमोशनली फिट। फिजिकली और मेंटली फिट होने के बाद आपको इमोशनली भी स्टेबल होना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, आपका आपके मन पर कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से ज़्यादातर लोग वो करते हैं जो हमारा मन करता है, जबकि हमें वो करना चाहिए जो आवश्यक है। हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है हमारे इमोशंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी ग्रोथ के लिए। हम भावनाओं में बहकर अपने इम्पॉर्टेंट काम को छोड़कर अननेसेसरी काम करने लगते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अपने मन के बहकावे में न आके हमें इम्पॉर्टेंट काम पहले करने चाहिए और बाकी की चीज़ें बाद में। कहते हैं, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए खुद के मन पर कंट्रोल होना, खुद के इमोशन पर कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। हर तरह से फिट होने के बाद आपको मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करना है, यानी आपको अब पैसे कमाना शुरू करना है। आज के ज़माने में पैसा कमाना कुछ लोगों के लिए बहुत आसान काम लगता है, वहीं कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। इसका मेन रीज़न है अपने काम का नॉलेज और उसमें एक्सपीरियंस। पैसा कमाने के लिए आपको कोई स्किल सीख के उस स्किल में मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी से मन लगाकर कोई काम करते हो तो बहुत ही जल्द आप उसमें मास्टर बन जाओगे। आपकी एक अच्छी स्किल आपको पैसा कमा के दे सकती है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपको फाइनेंशियली फ्री और स्टेबल बनाएगी। तो पैसा कमाने के साथ साथ उस पैसे को मैनेज कैसे करना है ये भी सीखना पड़ेगा। नंबर 5, स्पिरिचुअल वेल्थ। अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। जीवन में सुख शांति और संतुष्टि के लिए आपको उस विधाता को और उसके बनाए गए नियमों को समझना ही पड़ेगा। इस संसार और इसके नियमों को समझना पड़ेगा। ये नेचर कैसे काम करता है ये समझना पड़ेगा। ये दुनिया कैसे काम करती है ये समझना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी से जो सुख आपको मिलता है वो सुख लग्जरियस लाइफ के सुख से कहीं ज़्यादा अधिक होता है। इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर इन 5 चीज़ों को आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो आपका जीवन वाकई सफल और सुंदर बन जाएगा। तो आज से ही फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहने की कोशिश कीजिए, इनकम सोर्स जनरेट कीजिए, साथ ही साथ उस विधाता के और उसके नियमों को जानने की कोशिश कीजिए। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे थे स्मार्ट बुक्स।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।